जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका SBG चैनल में। तो दोस्तों, आज UG के और PG के कॉलेज रिजल्ट कुछ अनाउंस किए गए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर कॉलेज के रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं। UG के, PG के कौन कौन सी परीक्षाओं के, कौन कौन से कोर्सेज के यहाँ पर रिजल्ट जारी किए गए हैं, पूरी जानकारी UG PG कॉलेज रिजल्ट के बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे समझ में आ सकेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जीबाजी यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। तो जीबाजी यूनिवर्सिटी के द्वारा 31 अगस्त को यहाँ पर एक रिजल्ट अनाउंस किया गया है। सॉरी, 5 रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस किए गए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, BPED, 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 MPED, BE। तो यहाँ पर BPED, MPED और BE के यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं। जीबाजी यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर केवल 5 रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, हम बात कर लेते हैं रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी की। तो दोस्तों, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर दोस्तों एक रिजल्ट अनाउंस किया गया है आज की डेट में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पर ही M.Com फोर्थ सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, RDBB यूनिवर्सिटी के द्वारा M.Com फोर्थ सेमेस्टर का यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है 31 अगस्त, यानी कि आज की डेट में ही रिजल्ट अनाउंस किया गया। अब दोस्तों, रिजल्ट कैसे देखने हैं, इनके बारे में कंप्लीट वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट रिजल्ट की यहाँ पर बात करें, तो दोस्तों मैं जीबाजी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर रिजल्ट बताने वाला हूँ। 29 अगस्त को रिजल्ट अनाउंस किए गए थे, मैंने इन रिजल्ट के बारे में आपको वीडियो में नहीं बता पाया है। तो दोस्तों, इन रिजल्ट के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो BSc थर्ड ईयर का 29 अगस्त को यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है, MA का भी आ चुका है और MA मैथमेटिक्स का भी यहाँ पर आ चुका है। MA मैथ थर्ड सेमेस्टर का यहाँ पर जो एग्जाम दिसंबर 2020 वाले ATKT के रिजल्ट थे, वो भी यहाँ पर जारी कर दिए गए। तो 29 अगस्त को रिजल्ट आए थे, मैंने इनका वीडियो नहीं बना पाया था। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में अगर हम नेक्स्ट रिजल्ट की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है दोस्तों APSC यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की। तो अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर काफ़ी रिजल्ट अनाउंस किए गए, और जो रिजल्ट अनाउंस किए गए सभी के सभी, वो सभी रिजल्ट दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर के यहाँ पर अनाउंस किए गए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर MSc के सभी रिजल्ट आ चुके हैं। जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर, स्टेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर, फिजिक्स सेकेंड सेमेस्टर, मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर और जियोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर 30 अगस्त को यहाँ पर आए थे। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर 30 अगस्त को कुछ और रिजल्ट भी आए हैं। MSc बॉटनी का आया है, MA संस्कृत, MA पॉलिटिकल साइंस, MA म्यूजिक, MA हिस्ट्री, MA हिंदी और MA ज्योग्राफी। यहाँ पर अभी M.Com के रिजल्ट नहीं आए हैं, MA और MSc के यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं APSC यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर के। तो दोस्तों, बस यहीं कुछ यूनिवर्सिटी हैं, 3 यूनिवर्सिटी जिनके द्वारा आज रिजल्ट अनाउंस किए। उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। अगर आपको ये रिजल्ट देखना नहीं आता तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। अगर आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर अपना मैसेज सेंड कर दीजिए, और जो भी आपके डाउट है DM के द्वारा अपने जो कि पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर ही, ठीक है। तो अब वीडियो कहीं पकड़ते हैं, समाप्त मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब पकड़िए, बाय।